नमस्कार, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूं आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो में। तो आज हम 72 आवर्स करंट फीलिंग वाली रीडिंग करेंगे, जो एक लव रीडिंग होगी और ये एक जनरल रीडिंग है। जैसा कि आप जानते हैं, सब पर रेजोनेट नहीं होती, जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि जो एरीज हैं उनके पर्सन की, एरीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे कि एरीज के अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं और क्या अगले 72 आवर्स में एरीज के पर्सन एरीज के लिए कोई एक्शन लेंगे और इस रिश्ते की, इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहने वाली। तो चलिए देखते हैं। एरीज के पर्सन की एरीज के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स और फोर ऑफ स्वॉर्ड्स। तो फिलहाल लग रहा है कि जो एरीज के पर्सन एरीज के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, वो काफ़ी कंफ्यूजन में है, दिक्कत में है, लेकिन उन्हें इस सिचुएशन से बाहर आने की ज़रूरत है, इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इतनी बड़ी बात नहीं है कि वो इसको इतना महसूस कर रहे हैं। जो उन्होंने रातों की नींद हराम कर ली है, और अगर वो इस सिचुएशन को संभालेंगे, हैंडल करेंगे, तो अपने इर्द गिर्द ही इसका सॉल्यूशन उनको मिल सकता है। और वो चाहते हैं कि वो सबसे पहले अपना इसमें शांत रहें, मौन रहें और आराम करें और एक ब्रेक लें, क्योंकि उनका मन टूटा है, दिल टूटा है। जब उनको लगे कि वो रिलैक्स हो गए हैं, उनका दिल जो टूट गया था वो ठीक हो गया है, वो रिलैक्स अपने आप को महसूस कर रहे हैं, तो इस एंजाइटी से, इस परेशानी से, इस दुख तकलीफ से बाहर निकलें और उसके लिए वो हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, प्रेयर करें और अपने आप को एक ब्रेक दें, एक आराम दें। और जब उनको लगे कि वो स्टेबल हो गए हैं, इसमें इस परेशानी से, इस दिक्कत से बाहर आ गए हैं, तो तभी वो आगे बढ़ें। तब तक वो अपने आप को स्टेबल करें। सबसे पहले उन्हें अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तभी वो आगे किसी दूसरे के पछड़े में पड़े, दूसरों के बारे में सोचें। तो ऐसा वो उनके पर्सन एरीज के पर्सन एरीज के लिए महसूस कर रहे हैं कि एरीज को चाहिए कि वो इस कन्फ्यूज़न से, इस दिक्कत से बाहर निकलें और एक मेडिटेशन करें, प्रेयर करें, ब्रेक लें, हीलिंग करें। जब उनको लगे कि अब वो अच्छी तरह से स्टेबल हो गए हैं, उठ कर चलने के लायक हो गए हैं, तभी वो उठ कर चलें और इसमें आगे एक्शन लें। और सबसे पहले वो अपने ऊपर फोकस करें, अपने स्टेबिलिटी पर ध्यान दें, अपने करियर पर ध्यान दें, अपने लिए स्टैंड लें। तो देखते हैं कि जो एरीज की अपने पर्सन के प्रति फीलिंग्स क्या हैं, चलिए देखते हैं एरीज अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। द फूल, नाइट ऑफ कप्स और टेन ऑफ वॉन्ड्स। तो एरीज अपने पर्सन के लिए महसूस कर रहे हैं कि वो इसमें समझदारी के साथ काम लें, वो आंख मूंद कर इस काम को ना करें, खुली आंखों से काम करें और एक बच्चे की एनर्जी की तरह एक यूनिवर्स पर भरोसा करें और यूनिवर्स के साथ चलें, जैसा वो गाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग चलें। वो बिना सोचे समझे कुछ भी ना करें, नादानी ना करें, बचपना ना करें और सोच समझ कर इसमें आगे बढ़ें। और वो चाहते हैं कि इसमें ये जो स्ट्रेस है, जो बर्डन आ रहा है, उसको बांटा जाए। वो काफ़ी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, काफ़ी कंफ्यूजन में लग रहे हैं और वो सारी जिम्मेवारियों को अकेले ढोए हुए हैं, सारी जिम्मेवारियाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन्हें अकेले ले ली हैं। और अगर वो सारी जिम्मेवारियाँ अकेले उठाएंगे तो उन मानसिक और शारीरिक तौर पर उनको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है और फिजिकली भी उनकी कमर में पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है। तो एरीज इस जिम्मेवारी को बांटने के बारे में सोच रहे हैं कि जब तक उनकी तरफ से कोई प्यार भरा प्रपोजल नहीं आ जाता, कोई गुड न्यूज़ नहीं आ जाता, वो उस गुड न्यूज़ का इंतज़ार करना चाह रहे हैं और वो
सोच रहे हैं कि जब इन रिस्पेंस जो ये रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जो ये जिम्मेवारियां हैं, उनको स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया जाए, उन पर काम किया जाए। एक एक के अगर वो अकेले स्ट्रेस लेंगे, अकेले अंजाए, तो वो परेशानी में आ सकते हैं, दिक्कत में आ सकते हैं, या फिर हो सकता है कि जो एरिज के पर्सन है वो एरिज के लिए ऐसा सोच रहे हों, या एरिज अपने पर्सन के लिए ऐसा सोच रहे हों, कोई भी एक दूसरे के लिए ऐसा सोच सकता है। और वो या फिर एरिज चाहते हैं कि जब जब तक उनके पास कोई गुड न्यूज़, उनको गुड न्यूज़ दी जाए, गुड न्यूज़ भेजी जाए, तब तक वो अपनी जिम्मेवारियों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करें, इसमें ज़्यादा स्ट्रेस ना लें, अकेले इस बर्डन को ना उठाएं, और इसमें परिवार के साथ या फैमिली के साथ या किसी के साथ मिलकर इसमें कदम से कदम मिलाकर चलें, और जो बचपना है, जो नादानी है, इसको छोड़ दें, इसमें मूर्खता ना दिखाई जाए, और यूनिवर्स पर भरोसा करके एक बच्चे की एनर्जी की तरह इसमें आगे बढ़ा जाए, इस पर एफर्ट लगाया जाए, इस पर काम किया जाए, ऐसा वो चाह रहे हैं कि ऐसा वो फील कर रहे हैं, ऐसा वो सोच रहे हैं। उनकी जो प्रेजेंट एनर्जी है 72 आवर्स के लिए, वो बता रही है कि वो इस बर्डन को थोड़ा सा बांटना चाहते हैं, इसको शेयर करना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि जब तक कोई गुड न्यूज़, कोई खुशी उनके बाहर आती है, कोई लेकर आता है, तब तक वो स्ट्रेस को ख़त्म करें, या फिर वो चाह या हो सकता है कि वो चाह रहे हैं कि स्ट्रेस जब तक ख़त्म हो जाए, जब तक वो किसी की तरफ, अपने पर्सन की तरफ कोई गुड न्यूज़ भेजें या गुड न्यूज़ लेकर जाएं। तो अगले 72 घंटे में जो एरीज के पर्सन हैं, वो क्या एक्शन लेने वाले हैं अपने पर्सन के लिए, वो एरीज के पर्सन अगले 72 आवर्स में एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे, अगले से 72 आवर्स में एरीज के पर्सन एरीज के लिए क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं एरीज के पर्सन क्या एक्शन लेंगे। पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स और जस्टिस, तो वो चाहते हैं कि इस सिचुएशन से, ऐसे लोगों से, ऐसी चीज़ों से जो उनके लिए नहीं बनी है, जो उनके लिए परेशानी बनी हुई है, इस ऐसी जगह को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसे लोगों को लेट गो कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, ऐसे तो वो इसमें चाह रहे हैं, वो इसमें चाहते हैं कि इसमें इन चीज़ों को, इस सिचुएशन को, इन लोगों को छोड़कर इसमें एक अच्छी शुरुआत की जाए, एक बिगनिंग की जाए, एक बच्चे की एनर्जी की तरह, एक दोस्ती की तरह इसमें हाथ मिलाया जाए, और जैसा भी इसमें उनको जस्टिस मिले, जैसा उन्हें कर्मकांड किया है, जैसा उन्होंने काम किया है, वैसा ही उसके अकॉर्डिंग ही उनको इसमें रिजल्ट मिले, इसका फल मिले। अगर उन्होंने किसी को परेशान नहीं किया है, किसी को दुख नहीं दिया है, और उन्होंने अगर अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छा फल मिले, और बुरे कर्म किए हैं तो बुरा फल मिले, और वो इस रिश्ते में एक बैलेंस चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में ये रिश्ता जो डामाडोल हो रहा है, जो अप डाउन हो रहा है, वो इसमें चाहते हैं कि समय रहते इसमें एक्शन लिया जाए। तो वो इसमें इन चीज़ों को, जो चीज़ें उनके लिए नहीं बनी हैं, उनको लेट गो करके एक फ्रेंडशिप लेवल से इसमें एक नई दोस्ती की तरह, एक नए बच्चे की एनर्जी की के साथ एक उनसे हाथ मिलाना चाहते हैं, और वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो अप डाउन हो रहा है, जो डिसबैलेंस हो रहा है, जो इसमें बैलेंस नहीं बन पा रहा है, जो स्टेबिलिटी नहीं आ रही है, उसमें स्टेबिलिटी आए, उसमें बैलेंस बने, और उनको न्याय मिले, और जो अगर उन्होंने वो न्यायप्रिय बने, अपने साथ न्याय करें और दूसरे लोगों के साथ न्याय करें, और अगर वो तो वो इसमें, सॉरी गाइस, फोन बोल रहा थोड़ा सा, सॉरी गाइस, आज बीच में फ़ोन करना भूल गई थी, तो इसलिए बार बार ये फ़ोन की बेल आ रही थी। तो अब इसका
गाइडेंस देख लेते हैं इस सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहने वाली है। सिचुएशन की गाइडेंस क्या रहने वाली है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून और फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो वो चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में, इस ड्रामे को, इस लड़ाई झगड़े को, इस कंफ्यूजन को दूर करें, इस परेशानी से बाहर निकलें। जो मन में उनके दिमाग में जो द्वंद्व युद्ध चल रहा है, जो कंफ्यूजन चल रही है, उससे वो निजात पाएं और बाहर निकलें और वो ओवर थिंकिंग ना करें, क्योंकि उन्होंने वो खुद ही इसमें घिरे हुए हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और वो कंफ्यूज है, परेशान है, दिक्कत में है, एंजाइटी में है, वो स्ट्रेस में है। वो यूनिवर्स से चाहते हैं कि वो इससे बाहर निकलें और इसका अगर वो इसमें गाइडेंस है कि अगर बैठकर सोच विचार करके इस परेशानी से, इस जो ओवर थिंकिंग हो रही है, जो कंफ्यूजन हो रही है, जो लड़ाई झगड़ा हो रहा है, जो उनके मन में जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, उससे बाहर निकल सकते हैं अगर वो कोशिश करें तो उन्हें इससे बाहर निकलने की ज़रूरत है। यूनिवर्स जी गाइड कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि धीरे धीरे करके समय उनके फेवर में आने वाला है और उस समय को वो यूटिलाइज करें, अच्छे अच्छे कामों में लगाएं ताकि उन्हें इसमें जस्टिस मिले, न्याय मिले और अगर वो और लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ वो इसमें आगे बढ़े, इसमें गैम्बलिंग ना करें, जुआ ना खेलें, कुछ गलत काम ना करें जिससे वो दोबारा से स्ट्रेस में आ जाए, परेशानी में आ जाए। और वो चाहते हैं कि अच्छे अच्छे कामों में इस समय को यूज़ किया जाए और इस रिश्ते को खुशियों भरा बनाया जाए, प्यार भरा बनाया जाए ताकि इस रिश्ते में किसी के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो, कोई अन्याय ना हो। और वो इसमें क्लियरिटी चाहते हैं, साफ स्पर्श चाहते हैं और ईमानदारी के साथ और बिना कोई चालबाजी के, बिना कोई चालसाजी के, क्लियरिटी और प्योरिटी के साथ इस रिश्ते को इसको आगे बढ़ा जाए। यूनिवर्स जी ऐसा चाहते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाया जाए क्लियरिटी और प्योरिटी के साथ और जो इसमें ड्रामे हो रहे हैं, जो लड़ाई हो रही है, जो फाइट हो रही है, उसको दूर किया जाए या जो मन में द्वंद्व युद्ध चल रहा है उससे बाहर निकला जाए। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है। अगर आप एक भी अच्छा सा कमेंट्स करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने में आसानी होती है, मोटिवेशन मिलता है। तो आज के लिए बस इतना ही, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, थैंक यू सो मच।